सुंदर कीर्तन है, हैं ते सदमा बंद मोई सावधान माते। इसलिए इनकी सबके लिए महाप्रभु के लिए गौरांगेर दोटे पद चार धन संपद से जाने भक्ति रस सार निताई पद का माला कोटि चंद्र सो शीतल जय छाया जगत जो। सब इनका ही कीर्तन, रोज जो जो कीर्तन करते ना सब इनका कीर्तन है, हैं कत जो सिद्धि सिद्धि की लालसा है इनका भी कीर्तन है। क्या कीर्तन है? जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, नहीं नहीं राधा कृष्ण प्राण मरा जुगल किशोर जीवन मारने गाते हार नाही। इसलिए इनकी ये सब इनकी कीर्तन है, अद्भुत रूप में इनका कीर्तन है नरोत्तम दास ठाकुर का। हम तो जाकर के जब खदिरा बन जाएंगे सब इनकी कथा सुनेंगे, हैं इसलिए खदिरी बन में इसलिए अद्भुत। ये शरीर कैसे छोड़े? ऐसे शरीर नहीं छोड़ दिए, शरीर इनको भक्त लोगों ने स्नान करा रहे थे, गंगा पानी में नहा रहे थे। स्नान करते समय जैसे हम लोग शरीर को मलमल करके स्नान करते हैं ना, इनके शरीर को भक्त लोग ऐसे मलमल करके स्नान करा रहे थे। ऐसे मलमल करके स्नान कराते करते अपने आप अंतर ध्यान, उनका शरीर अपने आप गल गया शरीर और अपने आप अंतर ध्यान हो गए। बोला अद्भुत, ये महाप्रभु का प्रेमा अवतार श्री नरोत्तम दास ठाकुर इनका ठाकुर जो उसको बाद में जो ठाकुर ये राधा विनोद है। ये जो राधा विनोद जो ठाकुर जी इनका जो प्राकट्य हुआ है कहाँ से हुआ है? खदरी बन से हैं, किस किशोरी कुंड संगम किशोरी कुंड से प्रकट हुए हैं। ये श्री लोकनाथ दास हमारा भी नरोत्तम प्रभु गा रहे थे ना, क्या उत्तम प्रभु जी गा रहे थे, हाँ प्रभु लोकनाथ। इसलिए कहते ना कबे लोक नाथ मोरे संगे लैया जावे श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पित। ये इसलिए श्री लोकनाथ ठाकुर ये इनका ही शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये हैं। इन्होंने जब किशोरी कुंड में वहीं रहते थे जब उन्हें डुबकी लगाई ना, ये ठाकुर जी अपने आप इनको हाथ में आए और हाथ में आकर के बोले बड़े दिनों से ये कुंड में पड़ा हुआ था, मेरे को बड़े भूख लग रहा है, कुछ भोजन खिलाओ। तो रोटी सब्जी उन्होंने बना करके जब ठाकुर को दिया है ना, अरे बोले बगैर चाटनी से थोड़ी आनंद आता है, बगैर चाटनी से थोड़ी खाया जाता है। फिर उन्होंने इमली के पत्ते से चाटनी बना कर खिलाए, ठाकुर जी खा करके ना बोले नींद आ रही है मेरे के लिए थोड़ा सज्जा सजाओ। तो उन्होंने फूल की सज्जा सजाए, बोले नींद नहीं आ रही है, बोले क्यों? बोले थोड़ा पैर तो दबा दो। तब उन्होंने पैर दबाए, बोले गर्मी लग रहा है थोड़ा हवा करो। तब उन्होंने कोमल कोमल पत्ते को ला करके उन्होंने ठाकुर जी को उन्होंने हवा की। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते सब कुछ करते हैं, लेकिन वो किसके लिए करेंगे? एक हिंदी में एक भजन है ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, कहते श्री सबरी जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन करेंगे किस लिए? भक्त हो तभी तो करेंगे। ये ठाकुर जी डायरेक्ट उनको साथ में बात करते थे। उनको पास में जो ठाकुर जी है उनका नाम राधा गोविंद, जिनकी कथा हम लोग श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में श्रवण कर रहे थे। ये श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का ये सभी तो विग्रह है, अद्भुत अद्वितीय पंडित थे। सिर्फ हमारे उड़ीसा के थे बलदेव विद्याभूषण प्रभु, अद्भुत विद्वान थे जिन्होंने गोविंद जा करके जयपुर में बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने परास्त करते हुए जिन्होंने ये गोविंद भाष्य को लिखे। स्वयं गोविंद देव हैं इनको स्वप्नादिष्ट दे करके बोले केवल तुम पेन को तुम पकड़ो, मैं बताता हूँ। और 7 दिन के अंदर में ऐसे उन्होंने गोविंद भाष्य को लिख करके दिए, देख करके दूसरे दूसरे संप्रदाय का लोग एकदम आश्चर्य में पड़ गए। 7 दिन के अंदर में इतने बड़ी भाष्य, और विशेष करके ये भाष्य में विशेष चीज उन्होंने दिखाया। साधारण ये जो वेदांत सूत्र को समझते हैं, ये जो वेदांत सूत्र ये मायावादियों का ग्रंथ है, क्योंकि शंकराचार्य के इसके ऊपर में टीका शंकराचार्य का, लेकिन ये कहते नहीं
ये वेदांत उनकी ग्रंथ नहीं है। वेदांत मतलब क्या? वेद का सार। कहते वेद का सार क्या है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। वेद का सार ये कौन? कहते ये श्रीमद भागवत। बोले भागवत का सार क्या? बोले कृष्ण लीला दशम स्कंध। बोले दशम स्कंध का सार क्या? बोले रासलीला। कहते रासलीला का सार क्या है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र ज्वनित्वात् अनावृत्ति शब्दात् अनावृत्ति शब्दात् जन्मादस्य जतः। तो उन्होंने ये जो सूत्र को अंदर में उनने श्रृंगार रस को दिखाया, क्योंकि वेद का सार है। वेद का सार तो भागवत, उसका सार रासलीला ही है। हाँ, पंच प्राण सार ही वही था। इसलिए वेदांत का सार में उन्होंने जब श्रृंगार रस की दिखाया, इसमें कैसे राधा रानी की प्रेम की सेवा, वो सबके सब आश्चर्य में पड़ी गई। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु जो उनका एक ग्रंथ है सिद्धांत रत्नम, हो सकता आप लोग जरूर पढ़ना, इतने अद्भुत ग्रंथ। उसका नाम रखे सिद्धांत रत्नम। भगवान के अंदर में कहते 18 का दोष नहीं, लेकिन वहां पर जो दोष दिखाते हैं उन्होंने इसको खंडन करते हुए उन्होंने गुण को श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु दिखाया अद्भुत रूप में। उन्होंने ये चीज को दिखाया श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु। उसको नीचे एक ठाकुर देखना, उसका नाम, जिनका नाम पर ये मंदिर, मंदिर का नाम क्या है? राधा गोकुलानंद है। कहते ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही ये सवित विग्रह, सबसे छोटे विग्रह है। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा कुंड में रहते थे, वहां पर एक दिन जब उनने कुंड में स्नान किया ना, ये ठाकुर अपने आप इनको हाथ में आए और ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरी सेवा करो। बोले सेवा? भैया हमसे सेवा नहीं हो सकता है, सेवा कौन कर सकता है? टाइम से खिलाओ, टाइम से फुला उठाओ, टाइम से उनके लिए रोसोई बनाओ, टाइम से उनको सब कुछ, सेवा करने के लिए समय की जरूरत है ना। मैं कहाँ से मैं सेवा करूँगा? कभी बाह्य दशा अर्धबाह्य दशा, कभी अंतर दशा में ये रहा करते थे, कभी कृष्ण प्रेम में बेहोश होकर पड़े रहते थे। बोले मैं कहाँ, मेरे अंदर में संभव है जो मैं आपकी सेवा करूँगा? बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरी सेवा करने के लिए इच्छा करो, मैं सब कुछ व्यवस्था कर दूंगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये विग्रह है। और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कहते हैं ये कौन है? बोले श्री रूप गोस्वामी ही। कहते दो बार में श्री ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बन करके दो बार उन्होंने आए, क्योंकि रूप गोस्वामी ने जैसे भक्ति रसामृत सिंधु लिखे, उज्ज्वल निर्मणि लिखे है, लघु भागवतामृत लिखे, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने देखा ये तो लगता है ये सब ग्रंथों को तो कहाँ लोग पढ़ सकते इतना टाइम का, इसलिए उन्होंने फिर उनको बिंदु भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु उज्ज्वल निर्मणि किरण कणा है किरण कणा, इसलिए फिर उन्होंने ये सब ग्रंथों को उन्होंने छोटे छोटे ग्रंथ रूप में लिखे। और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? कृष्ण लीला में मंजरी। इन्होंने जो पारकीय उनने पारकीय धर्म को स्थापन किया, गोपियों की जो पारकीय भाव को, लेकिन उसी समय कुछ सहजिया लोग थे हैं, कुछ सहजिया लोग थे। इन्होंने जब उन्होंने जो सिद्धांत को अकाट जुक्ति को दे करके उन्होंने जब ये पारकीय मत को उन्होंने स्थापन किया, कुछ लोग तो जो बाबा जी को सहजिया लोग थे तो बिगड़ गए इनको ऊपर में, बोले इनको जान से खत्म कर देंगे हैं। ये ऐसे मतलब इनके जो सिद्धांत इतने कठोर था, उन लोगों ने जानते हैं रोज इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देख करके जाते हैं, आज रात को पास इनकी गला काट देंगे, इसलिए कुछ लोग छुप कर खड़े हो गए, देखे आ रहे हैं। लेकिन जब आ रहे थे देखा छुपे हुए, लेकिन जब पास में आए ना देखा एक सुंदर एक मंजरी रूप है, सुंदर एक गोपी स्वरूप है। उसको देख करके बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आ रहा था, लेकिन देखा ये सुंदर एक गोपी स्वरूप, लेकिन वही गोपी स्वरूप जब थोड़ी दूर गई ना फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बनकर जा रहे हैं। फिर ये बाबा जी लोग सहजिया लोग समझ गए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोई साधारण कोई है, ये व्यक्ति नहीं, ये राधा रानी की कोई सखी। इसलिए इन्होंने जो टीका लिखे है ना, क्या अद्भुत टीका। जब तक भागवत को ऊपर में इनकी जो टीका है ना, अद्भुत टीका है। जब तक इनको टीका को कोई नहीं पढ़ेंगे ना, कहते वो कभी रस में प्रवेश नहीं कर सकता है। उन्होंने जो जन्मादश्य श्लोकों को, उनने जो राधा पर जो उन्होंने लिखे अद्भुत रूप में निगम कल्प तरूर, और विशेष करके जो गोपी गीत जो उन्होंने टीका लिखे है ना,
भैया इनके टीका पड़े बगैर कोई रसिक नहीं बन सकते, क्या उन्होंने उसके ऊपर टीका लिखे, एक एक श्लोक को ऊपर अन्य और व्यतिरेक रूप में उन्होंने जो अर्थ दिया, एक तो गोपियां कैसे उलाहना दे रहे हैं, दूसरे तरफ में कैसे स्तुति कर रहे हैं। जैसे एक श्लोक है, कौन सा श्लोक है, बोले तब कथा मृतम ताप्त ये वनम कभी वीरी प्रीतम कल्मसापम श्रवण मंगलम श्रीमदातता भुवि गृणन्ति ते भोरिदाजना। इसको कहते एक तरह से कृष्ण का स्तुति, बोले कि श्याम सुंदर तुम्हारी कथा नहीं तब कथा अमृतम, लेकिन जब व्यतिग्रह रूप में कृष्ण को उलाहना देते हुए बोले कौन कहता है कृष्ण कथा अमृतम, मृत जो सुनेगा वो मरेगा, जैसे आप लोगों ने सुने ना सब मर गए हो आप कृष्ण कथा सुनकर मर गए हो, तभी तो अपना परिवार भाई बंधु को छोड़कर एक महीना तक तो कोई आते है वृंदावन में महाराज जी कहते भैया मोबाइल लेकर के आए, यहाँ बैठ बैठ कर सब बात करते हैं, लेकिन वहां पर कहते भैया खबरदार, इसलिए कहते हैं कृष्ण कथा को सुनो मत, जो कथा सुनेंगे ना वो मरेगा। गोपियां कहती देखो तब तक हम संसार में प्रेम में रहते थे जब तक कृष्ण कथा नहीं सुने, जब से कृष्ण कथा सुने ना कितना धोबी का कुत्ते ने घर का ना घाट का सब छोड़ छाड़ करके राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो, वृंदावन में आकर के सब कृष्ण सब। इसलिए गोपियां उनको कहती हैं साधु लोग क्या कहते हैं, बगल में एक भागवत ग्रंथ को दबा करके कह देखो कृष्ण कथा सुनाएंगे फ्री, कोई पैसा की जरूरत नहीं फ्री। बोले खबरदार ये व्याध है, इनके चक्कर में मत पड़ा करो, खुद का भी घर मकान नहीं और तुमको कथा सुना सुना करके ना तुमको भी बेकार बना देंगे, हाँ तुमको भी बेकार बना देंगे, इसलिए खबरदार इनकी बात को चक्कर में मत आया करो। इसलिए एक तरह का उनकी कृष्ण को उलाहना दे करके और दूसरे तरफ में कृष्ण को स्तुति परक अद्भुत रूप में उन्होंने एक एक श्लोक को अद्भुत पूरा श्लोक को उन्होंने इसे व्याख्या किया। हाँ इनकी ग्रंथ अभी जो बन महाराज जी वहां पर स्वप्न विलासमृत कह रहे थे ना, वो एक ग्रंथ है स्तवामृत लहरी, वो महाराज उनकी ग्रंथ की बात ये कर रहे थे। इनका ग्रंथ है चाटू पुष्पांजलि, इनकी ग्रंथ है चाटू पुष्पांजलि, इनकी ग्रंथ है जो श्रृंगार भट्ट में चमत्कार चंद्रिका, इनकी ग्रंथ है चमत्कार चंद्रिका प्रेम संपुट, हाँ प्रेम संपुट चमत्कार चंद्रिका। जब मैंने पहले मथुरा में आए जब हमारे भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज जब ये ग्रंथों को बोलते थे ना, हम कहते थे भैया सब नया नया बात कभी जिंदगी में सुना ही नहीं, ये सब कहाँ से ये सब बात करते हैं, कहाँ से ये सब कथा बोलते हैं। इसलिए महाराज जी हमारे महाराज जी कहते हैं मैंने जो थोड़ी बहुत बात करता हूँ ना ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ग्रंथ से ही बोलता हूँ, सारी इनके ग्रंथ से ही बोलता हूँ। इसलिए इनका अद्भुत आप लोग हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि ये गौड़ीय संप्रदाय में आए, ये गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग आए, किसी संप्रदाय में कोई एक संत मिलेंगे कोई एक आध ग्रंथ मिलेगा, लेकिन हमारी गोस्वामी का ग्रंथ देखो, रूप गोस्वामी की ग्रंथ देखो कितने अथाह ग्रंथ है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कितने ग्रंथ है, रघुनाथ दास गोस्वामी का कितने ग्रंथ है, जीव गोस्वामी का कितना ग्रंथ है। इसलिए कोशिश करो वो ग्रंथों को कम से कम, गुरुदेव ने बहुत कष्ट करके कभी ट्रांसलेशन हिंदी में किया, अभी तो हमारे रामचंद्र प्रभु कह रहे थे कौन सा ग्रंथ में ये बात है, बोले स्वप्न विलासमृत, बोले हमने पढ़ा ही नहीं देखा ही नहीं, सारे गुरु जी का ग्रंथ पढ़े हमने देखा ही नहीं ये ग्रंथ को सुना ही नहीं, सब कथा सुना ही नहीं। इसलिए जो चीज तक गुरुदेव ने कृपा करके हमारे लिए ट्रांसलेशन करके गई वो तो इतना तो ग्रंथ पढ़ लेते हैं, जो चीज किया नहीं उसको सौभाग्य नहीं हिंदी वासियों का। इसलिए बंगला जरूर सीखा करो, जरूर हमें बंगला सीखनी चाहिए, जो मूल भाषा में ना चैतन्य चैतामृत चैतन्य भागवत जो मूल भाषा में जो रस है भैया हिंदी में बोलने पर भी वो रस है नहीं, क्योंकि मूल भाषा ये बंगला भाषा है। मैं भी उड़िया हूँ लेकिन जो सबसे पहले आया हूँ ना बोले पहले बंगला सीखो, हाँ बंगला सीखे बगैर कोई खैर नहीं, पहले बंगला सीखना पड़ा।
और वहां पर एक चीज है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने गुंजा माला और गिरिराज शिला उन्होंने प्रदान किया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में थे, जब रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ करके जब श्री जगन्नाथपुरी में आए, पहले तो उनको पिता माता पकड़ पकड़ कर जोर से ले जाते थे, हैं जोर जोर कर पकड़ कर ले जाते थे। लेकिन अंतिम समय में जब नित्यानंद प्रभु का कृपा हुई, नित्यानंद प्रभु अपना चरणों को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर रखे, बोले तुमको दंड प्रदान करूंगा। बोले क्या? बोले सारे वैष्णव को भोजन कराओ, चिड़ा दही भोजन कराओ। उन्होंने भक्ति जगत में दंड भी बढ़िया चीज, रोज भंडारा है, भंडारा है। बोले जब उन्होंने सारे वैष्णव की उन्होंने सेवा की, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम और गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। जब उन्होंने सेवा की ना, महाप्रभु कृपा हो गई। अंतिम समय में उन्होंने कहाँ पर आए? श्री जगन्नाथपुरी में आए। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? ठाकुर जी की बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर में, तुमको विषय का बीज से तुम निकल करके आ गया, तुमने नरक से तुमको निकाल करके तुमको ले आए। और वहीं पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का क्या उन्होंने सेवा की, इनका स्वरूप है रघु। रघुनाथ दास गोस्वामी जब सातासन रोड में रहते थे, महाप्रभु को साथ में राय रामानंद स्वरूप दामोदर की जो वार्तालाप हुआ करती थी रात भर, कैसे महाप्रभु राधा जी की भाव से कैसे दिन भर रात भर रोते थे, और वहीं पर स्वरूप दामोदर जब आते थे बोलते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी इसको नोट करके रखते थे। और सब नोट से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये सब दिव्य ग्रंथों को कृष्ण और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखे। वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले जाओ तू वृंदावन में जाओ। तब उन्होंने दो चीज दिया था, एक गिरिराज शिला और एक गुंजा माला। बोले गिरिराज शिला कृष्ण, गुंजा माला श्री राधा रानी, इसको तुम लेकर के जाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज एक खाजा आंखों का आंसुओं से उनकी अभिषेक करते थे और उसको लेकर के इधर आए। और जो मंदिर में वो चीज भी रखा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए 5 ठाकुर जी का यहाँ विग्रह है। देखो हम लोग कितने सौभाग्यवान, कितने संतों का चरित्र, कितने ग्रंथ हम लोगों को मिला, किसी संप्रदाय में इतना उपलब्ध नहीं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान, किसी दूसरे संप्रदाय में नहीं जा करके इसी संप्रदाय में हम लोग आए। हमारे गुरुवर्ग हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करें, आप बोल दो, हम सब लोग को ऊपर आशीर्वाद करें। जैसे कभी ना कभी आजा पास में आजा, इधर आजा, आप जो तुम आप जो वो गोपीनाथ मंदिर में बोले, भारती महाराज आपने बोले भाई, अनिताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।